अस्सलामु अलैकुम, फनोलॉजी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बासित। तो आज क्लिनिकल डेंटिस्ट्री के एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। एक पेशेंट है जिसके मुंह में कोई दान नहीं है, तो हम उसके मुंह के अंदर कंप्लीट डेंचर लगाते हैं। तो कंप्लीट डेंचर किस तरह बनाते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, आज हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हम आइंदा इस तरह की वीडियोज़ लेके हाज़िर होते रहें। अच्छा, ये हमारे पास मोल्ड्स हैं जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर करते हैं, वो मोल्ड्स के ऊपर बनाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसकी कास्ट लेंगे और फिर हम उसके बाद हम इसकी वैक्सिंग वगैरह करेंगे जो भी। लेकिन जो नॉर्मली हम जो करते हैं क्लिनिक के अंदर, हम पहले पेशेंट का इंप्रेशन लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उसके जाके कास्टिंग वगैरह करते हैं जो भी करते हैं। ये प्लास्टर है, प्लास्टर की दो टाइप्स हैं, एक हार्ड प्लास्टर होता है, एक होता है सॉफ्ट प्लास्टर। तो यूजली हम जो यूज़ करते हैं पेशेंट के ऊपर वो हार्ड प्लास्टर यूज़ करते हैं, येलो कलर का होता है। लेकिन ये हम नॉर्मली लैब में वर्क कर रहे हैं तो इसमें क्योंकि इतना हम पेशेंट पे नहीं कर रहे तो इसलिए हम सॉफ्ट प्लास्टर यूज़ कर सकते हैं जो कि वाइट कलर का होता है। बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है ना, वो ये लिखा है कि हम पहले पानी डालते हैं और फिर बाद में पाउडर डालते हैं। लेकिन जो क्लिनिक वर्क होता है उसके अंदर हमेशा हम ज़्यादातर जो है पहले पाउडर डालते हैं फिर पानी डालते हैं। तो इसको हम थोरोली मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम इसको मोल्ड्स के अंदर हम इसको जिप्सम को डाल देंगे। इस तरह हम निकालना सही करके ना, साथ साथ हम इसको थोड़ा थोड़ा टैप करेंगे ताकि इसके एयर बबल्स बाहर निकल जाएं। नॉर्मली हम वाइब्रेटर पे करते हैं, लेकिन अगर मैं इसलिए ज़्यादातर मैनुअल काम करूँगा ताकि हर बंदे को थोड़ा सा ना करना ईजी हो काम। ये बबल्स बाहर आ गए, इस तरह कर सकते ऊपर से हम इसको प्लेन कर देंगे ताकि इसकी बेस बन जाए। आधा घंटा लगेगा हार्ड होने के लिए, वो सॉफ्ट प्लास्टर जल्दी हार्ड हो जाता है। ये अब हार्ड होने के बाद हम इसका अगला स्टेप करेंगे जो कि वैक्सिंग है। 1 hour later ये अब आधा घंटा हो गया, हार्ड हो गए और अब हम इनको रिमूव करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर वैक्सिंग करेंगे। A few moments later. ये हमारे पास वैक्स है, मोल्डिंग वैक्स भी कहते हैं इसको और मॉडलिंग वैक्स भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके, रेड कलर की होती है। तो अब हम इसकी वैक्सिंग करेंगे। ये हमारे पास मैंडिबल है, मैंडिबल की ये निशानी होती है कि यहाँ पर टंग की स्पेस हमने छोड़नी होती है खाली। इसको पहले थोड़ा सा हम हीट अप करेंगे ताकि ये इसकी ईजिली मोल्डिंग वगैरह हम कर सकें और फिर हम इसको प्रेस कर देंगे अगेंस्ट मैंडिबल। सेस जो है वो हम कार्वर से इसको काट देते हैं। और ये हमारे पास है, इसी तरह मैंने सेम किया है जो क्या है मैक्सिला पैराटल। बस इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसमें हम पैराटल प्लेट जो है वो रखेंगे। ये डेंटल फ्लास्क है, अब हम इसकी जो हमने वैक्सअप कर लिया हुआ है और हम इसकी अब फ्लास्किंग करेंगे और ये जिप्सम डालेंगे और
और जिप्सम डाल के बेस के अंदर, और अब हम इसको जो है डेंचर जो हमने बनाया था इसका मॉडल वैक्सअप किया हुआ था, इसको हम थोड़ा सा इसको हम पहले पानी के अंदर भिगोएंगे क्योंकि वो भी वेट है, और इसको वेट करेंगे और फिर इसको लगाएंगे। और जो एक्सेस होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। वैक्स के ऊपर जिप्सम आ गया, हम उसको प्लास्टर को रिमूव करेंगे। और इसका बेस्ट तरीका ये है कि अभी ये थोड़ा गीला है तो हम इसको पानी से वॉशअप कर लेंगे। ये अच्छी तरह हो गया तैयार। ये हमारे पास होता है कोल्ड मोल्ड सील है, सेपरेटर के तौर पे काम करता है। इसको हम ब्रश के साथ अप्लाई कर देंगे। इसका अप्लाई करने का तरीका जो है ना वो है कि हम इसको एक ही साइड की तरफ लेके जाएंगे। देखो जब अप्लाई कर रहे हैं ना तो सिंगल कोट होगी, डबल कोट ना होगी, मतलब इस ये वाली लेयर है अगर वापस जाएगा तो उसमें कोट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इसी डायरेक्शन में। अब इसके ऊपर हम इसका जो है सेकंड पार्ट लगाएंगे। और इसको भी हम अब फिलअप करेंगे जिप्सम के साथ, ऊपर तक फिलअप कर देना है और इसका लेडर लगा देना है। ये जिप्सम को हमने मिक्स कर लिया प्लास्टर को, और अब हम इसको कर देंगे फिलअप, अच्छी तरह फिलअप कर देंगे। टैप करेंगे अब हम इसका लेडर लगा देंगे। इसी तरह आप ये आगे हमने मैक्सिला का किया था पैरेलल का, अब हम इसको मैंडिबल को इसी तरह हम डिप करके पानी के अंदर तो हम इसको भी लगा देंगे। सेम प्रोसेस होगा, इसका भी सेम प्रोसेस होगा जैसे हमने मैक्सिला का किया था मैंडिबल में, कोल्ड मोल्ड सील लगाएंगे और उसके बाद हम इसको लिड लगा देंगे इसका। अब इसको हम इसके स्टैंड में लगा के उसको टाइट कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसको हीट अप करेंगे। One hour later. तो तकरीबन एक घंटा गुजर गया, पानी में रखा था ये बॉयल होने के लिए और पानी हो गया है बॉयल। तो अब बॉयलिंग पानी के अंदर हम इसको फ्लास्क को रखेंगे, तकरीबन 30 मिनट्स हम इसका वेट करेंगे। 30 मिनट के अंदर ना ये डीवैक्स हो जाएगा और फिर हम इसको निकाल के ओपन करेंगे। नॉर्मली हम जो डीवैक्सिंग वगैरह करते हैं वो एक इलेक्ट्रिक हीटर होता है, टाइम बदल उसमें ये पिक्चर मिलेगी तो मैं लगा दूँगा। तो लेकिन ये मैं ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि जो उसके हर स्टूडेंट जो कर सके, ये आप घर में भी कर सकते हो। कोई आप लेके स्टील का बर्तन तो उसके अंदर पानी बॉयल करो, उसके अंदर भी रख दो फ्लास्क हो तो ये आधे घंटे के अंदर बॉयल होकर डीवैक्स हो जाएगा। आधा घंटा हो गया तो ये डी वैक्सिंग हो गई है। अब हम इसको निकाल के अब हम इसकी डी फ्लास्किंग करेंगे। वैक्स नाइफ के साथ हम इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। ये डी फ्लास्किंग हो गया है, अब हम इसको गर्म पानी के साथ जो वॉशअप करेंगे जो वैक्स इसके अंदर लगाइए ताकि वो ख़त्म हो जाए। उसको हम किस तरह करेंगे, वो हम गर्म पानी जो हमने जिसके अंदर उसको बॉयल किया था उसी के साथ हम इसको शैंक के अंदर ला के वॉशअप कर देंगे।
A few moments later. डी वैक्सिंग होगी थी और डी फ्लास्किंग भी होगी थी, और अब डी फ्लास्किंग के बाद जो अगला प्रोसीजर है वो हमने दोबारा एक्रीलिक की पैकिंग करनी है। पैकिंग अभी हम बेस प्लेट बनाना है, उसके लिए हम पैकिंग के लिए सबसे पहले हम कोल्ड मोल्ड सील लगाएंगे जो कि हम आप भी लगा रहे हैं। यह है कोल्ड मोल्ड सील और ब्रश के साथ इसको लगाना है, डबल कोटिंग करेंगे। ऑलमोस्ट 5-10 मिनट हो गए हैं, तो पहले वाली कोटिंग हो गई है ड्राई और अब सेकंड कोटिंग होगी। क्यों माध भाई? बिल्कुल ऐसे। तो पहले कोटिंग नहीं हुई पूरी अपनी। इतना इंटेलिजेंटली नीट वर्क आपने कहाँ से सीखा है माध भाई? ये मैंने ना अब्दुल बासित का चैनल है फर्मल नॉलेज, उसके ऊपर आप जाएं आपको वीडियोस मिलेंगे, तो उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। अगर क्या नाम है? फनो नॉलेज नहीं, फनोलेज। उसके साथ फन के साथ नॉलेज भी होगा आपको। और अगर आपको किसी भी कोई प्रोसीजर के बारे में पूछना है तो आप कमेंट्स में जरूर हमें बताएं, हम वो प्रोसीजर आपको बताएंगे। चलो आ जाओ। और डॉक्टर हम आज इसके बारे में आपको कोई ट्रीटमेंट भी बताएंगे और मसले का हल भी बताएंगे। बिल्कुल। द नेक्स्ट डे मेरे साथ भाई तारिक हैं, भाई पैकिंग करेंगे और हम देखेंगे। अभी दिखाते हैं। इसमें लिक्विड कितना डालना है? ये होता है 1.3। 1:3। ये हमने इसको मिक्सअप करके एक्रेलिक को रख दिया। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। 5-10 मिनट तक हम इसका वेट करेंगे, क्योंकि इसकी जो पहले सैंडी स्टेज आएगी, फिर स्ट्रिंगी आएगी, फिर हम 2 स्टेज के अंदर इसको अप्लाई कर देंगे एक्रेलिक को फ्लास्क के अंदर। तो अब इसको ज़रा इसकी 2 स्टेज आ गई है, तो अब हम इसको थोड़ा आटे की तरह गूंदेंगे और पैक करेंगे। इसमें रख के हम प्रेस करेंगे इसको, तो जो एक्सेस है ना इसमें मटीरियल बाहर आ जाएगा। 2 किस्म के प्रेस होते हैं, एक मैनुअल है, एक होता है हाइड्रोलिक। उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें सारा हाइड्रोलिक पंप करते हैं, वो बड़ा अच्छा उसका फाइन फिनिशिंग आती है। हमने बेंच प्रेस करके इसको रखा है और प्रेस किया है, फुल हमने स्ट्रेस लगाया इसके ऊपर और एक्सेस जो था वो रिमूव हो गया एक्रीलिक। अब उसके अंदर हम इसका जो अपना फ्लास्क का स्टैंड है उसके अंदर इसको प्रेस करेंगे और एक्सेस जो है वो रिमूव हो जाएगा। The next day 24 आवर्स गुजर गए और कल हमने इनको फ्लास्क को रखा था इधर और इधर ही पड़ी हुई हैं, और अब हम इनकी क्योरिंग करेंगे, हीट करेंगे इनको। कंटेनर्स के अंदर पानी डाल दिए और अब नॉर्मल पानी के अंदर फ्लास्क रखते हैं।
बर्नर चला देंगे। लो फ्लेम के अंदर हम इसको हीट अप करेंगे और जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तो फिर हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे आहिस्ता आहिस्ता। वैसे नॉर्मली स्टोरिंग के लिए एक अलहदा बर्नर होता है, इलेक्ट्रिक मशीन जो होती है वो तो खुद ही उसका ऑटो होता है, मेंटेन कर लेता है, लेकिन अब हम यहाँ पे हमें खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा। ज़्यादा भी नहीं हीट होना चाहिए और कम भी नहीं, अगर ज़्यादा हो गया तो पोरोसिटी हो सकती है और कम हो गया तो फिर भी कोई श्रिंकेज वगैरह और कोई मसला हो सकता है, वो सही बनेगा नहीं, वीक रह जाएगा, इसलिए हमें बहुत एहतियात से हीट करना है, ना ज़्यादा हो। The next day. कल हमने ना इनकी इसकी क्यूरिंग कर ली थी एक्रिलिक की, तो इसके एक्रिलिक की क्यूरिंग के लिए हमें टेम्परेचर जो चाहिए ना वो 74 डिग्री पे करेंगे 2 घंटे के लिए, और 1 घंटे के लिए करेंगे हम 100 डिग्री पे। उसके बाद हम ये होता है जैसे ऑटो इलेक्ट्रिक में करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे पास ना इधर बर्नर है तो उसमें हम करें, तो हम ये इसे खोलने लगे। हमने इसको कूल होने के लिए रख दिया था 24 आवर्स के लिए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए कूल करते हैं, खुद ही इसको ठंडा होना चाहिए, हम ठंडे पानी में नहीं रखेंगे, खुद को खुद होना चाहिए। तो कल टाइम कम था इसलिए हम आज इसकी डी फ्लास्किंग करेंगे। A few moments later. अब हमने इनको डीफ्लास्किंग कर लिया, अब इसके बाद हम इसकी फिनिशिंग करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये अभी लग रहा है कि ये बहुत बुरे तरीके से बने हैं तो, लेकिन जब हमें इनकी फिनिशिंग लुक अच्छी हो जाएगी, अभी फिनिशिंग नहीं करेंगे इनकी। फिनिशिंग के लिए ये लेथ मशीन है हमारे पास और उसके आगे स्टोन लगा हुआ है और इसके साथ हम उसको फिनिशिंग करेंगे। देखेगा कैसे करते, ये आगे स्टोन है, अगर हमने इसको स्मूथ करना है तो हमने बहुत जेंटली हैंडल करना है इसे, अगर हमने इसको क्या कहते हैं इसको रिमूव करना है तो हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। ये एक्सेस मोटर्स से हमने रिमूव कर दिए, तो ये मैक्सिलरी जो प्लेट है वो बन गई है, पैरेलल बेस प्लेट बन गई है और ये हमारी बहुत अच्छी बन गई है फिनिशिंग के बाद। इसी तरह हम मेडिबल की बनाएंगे, इसी तरह हमारे पास ये है जिस तरह इसकी इतने बॉर्डर सेस हैं और काफ़ी ज़्यादा इस तरह लग रहा है कि ये है, हम इसको भी इसी तरह रिमूव करेंगे और ये वाला पार्ट भी रिमूव करेंगे।
स्केलेटन था, हमने अच्छी तरह इसकी फिनिशिंग कर दी है। और ये हमारा आ गया मैंडिबल, इसको हमने अच्छी तरह फिनिशिंग कर दी है। तो अब ये फिनिशिंग हो गई है इनकी और ये बन गया है पैलेट और ये बन गया है मैंडिबल। तो ये हमारे पास अभी बनी है, जो बनी है बेस प्लेट्स बनी है कंप्लीट डेंचर के लिए। हमने बेस प्लेट्स बनाई हैं जो कि जिनके ऊपर हम अक्लूजल रिम बनाएंगे और उसके बाद हम टूथ सेटअप करेंगे और फिर उसके बाद फाइनल जो हम उसकी क्यूरिंग करके हमारा कंप्लीट डेंचर बन जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, अब ये यहाँ तक मैं इसका एंड करूँगा और बाकी जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है ना वो मैं बताऊँगा कि उसके आर्टिकुलेटर के अंदर हम कास्ट को माउंट कैसे करेंगे और उसके बाद हम उसकी कुलिया रिम कैसे बनाएंगे और उसका फाइनल टूथ सेटअप कैसे करेंगे और क्यूरिंग कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।